वॉट इज कोरोना वायरस? सो कोरोना वायरसेस आर लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस डेट आर नोन टू कॉज इलनेस रेंजिंग फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड टू मोर सीवियर डिसीजेस सच एज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रम एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रम्स। कोरोना वायरस वायरसेस की फैमिली का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें डिफरेंट कोरोना वायरसेस होते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, जिससे आपको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी हो सकता है और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से भी आप इन्फेक्ट हो सकते हो। व्हाट इज नोवल कोरोना वायरस? ए नोवेल कोरोना वायरस इज ए न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस डेट हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इन ह्यूमन। तो जो नोवेल कोरोना वायरस है वो एक नया कोरोना वायरस है जो पहले ह्यूमंस में आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, फिलहाल में ही अभी ये आइडेंटिफाई हुआ है। द क्वेश्चन इज कैन ह्यूमंस बिकम इन्फेक्टेड विद ए नोवेल कोरोना वायरस ऑफ एनिमल सोर्स? क्या इंसान या ह्यूमंस नोवेल कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं जो कि एनिमल सोर्स से मिलता हो? तो इसका जो आंसर है वो हाँ, एक नोवेल कोरोना वायरस जो कि एनिमल से डिराइव होता है उससे ह्यूमंस इन्फेक्टेड हो सकते हैं। डिटेल इन्वेस्टिगेशंस फाउंडेड SARS-CoV मींस कोरोना वायरस वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम साइबेट कैट्स टू ह्यूमंस इन चाइना इन 2002 एंड MERS कोरोना वायरस फ्रॉम ड्रोमेडरी कैमल्स टू ह्यूमंस इन सऊदी अरेबिया इन 2012। Several known coronaviruses are circulating in animals that have not yet infected humans. As surveillance improves around the world, more coronaviruses are likely to be identified. So, what are the symptoms of someone infected with a coronavirus? The symptoms are depends on the virus, but common signs includes respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath, and breathing difficulties. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure and even death. तो जो symptoms हैं कोरोना वायरस के वो common symptoms हम discuss करते हैं जो कि आपको screen पर दिख रहे होंगे, जिसमें respiratory symptoms included हैं, respiratory tract infection हो सकता है आपको, fever हो सकता है, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं, और अगर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन अगर आपको हो जाता है कोरोना वायरस से तो न्यूमोनिया हो सकता है आपको, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो सकता है, किडनी फेलियर, और अगर कुछ ज़्यादा ही सीवियर हो जाता है तो आपकी डेथ भी हो सकती है इसमें। द क्वेश्चन इज कैन कोरोना वायरसेस बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? क्या कोरोना वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो सकता है? तो इसका जो आंसर है वो येस है। येस, सम कोरोना वायरसेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यूजली आफ्टर क्लोज कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल इन ए हाउस होल्ड वर्क प्लेस और हेल्थ केयर सेंटर। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर अगर पेशेंट है, अगर हाउस होल्ड वर्क प्लेस पर पेशेंट है तो वहाँ पर जो और पर्सन्स काम कर रहे हैं या और पर्सन्स अवेलेबल है उनको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और ऐसे ही हेल्थ केयर सेंटर में भी इन्फेक्टेड जो पेशेंट के कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी पर्सन आता है तो उसको भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो केयर हमेशा इसमें लेनी चाहिए। द क्वेश्चन इज देयर ए वैक्सीन फॉर नोवेल कोरोना वायरस? क्या कोरोना वायरस नोवेल कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन है? तो इस डिसीज़ और इस वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, और जो वैक्सीन्स हैं वो अंडर डेवलपमेंट स्टेज में हैं, तो जो भी आएगी वो फ्यूचर में या फिर नंबर ऑफ ईयर्स लगते हैं उसे डेवलप होने में, तो वो उस टाइम पर या फ्यूचर में जब भी आएगी तो हम आपको बताएंगे। When a disease is new, there is no vaccine until one is developed. One can take a number of years for a new vaccine to be developed.
The question is there a treatment for a novel coronavirus? क्या novel coronavirus का कोई treatment है? तो इसका आंसर है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ओनली हम सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं. देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर द डिसीज़ कास्ट बाय ये नोवल कोरोना वायरस. हाउएवर मैनी ऑफ द सिम्टम्स कैन बी ट्रीटेड एंड देयर फॉर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द पेशेंट्स क्लिनिकल कंडीशन. मोर ओवर सपोर्टिव केयर फॉर इन्फेक्टेड पर्सन्स कैन बी हाईली इफेक्टिव. द क्वेश्चन इज वॉट कैन आई डू टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम कोरोना वायरस से बच सकें या उससे प्रोटेक्ट हो सकें. तो जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस टू रिड्यूस एक्सपोजर टू एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ रेंज ऑफ इलनेस इंक्लूड मेंटेनिंग बेसिक हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड सेफ फूड प्रैक्टिसेस एंड अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टेक्ट वेन पॉसिबल विद एनी वन शोइंग सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस सच एज कफिंग एंड स्नीजिंग. तो इससे बचने और प्रोटेक्ट होने के लिए आपको हमेशा प्रिकॉशंस लेनी रहेंगी. कभी भी कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में आने से बचना चाहिए आपको. आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, रेगुलर हैंड वॉश करना चाहिए, रेस्पिरेटरी हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए. और अगर कोई पर्सन कफिंग स्नीजिंग करता है तो उसके कॉन्टेक्ट में या कॉन्टेक्ट में आने से बचना चाहिए. And the next question is, are health workers at risk from a coronavirus or novel coronavirus? तो इसका जो आंसर है वो yes है. जो भी health workers हैं वो infected persons के regular contact में रहते हैं या फिर close contact भी हम कह सकते हैं. इसलिए जो health workers है वो coronavirus से infected होने के chances ज़्यादा रहते हैं. Yes, they can be as a healthcare workers come into contact with patients more often than the general public. WHO recommends that healthcare workers consistently apply appropriate infection prevention and control measures. तो दोस्तों ये था कोरोना वायरस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन. जो भी क्वेश्चंस और डाउट्स थे आपके वो मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं. अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है कोरोना वायरस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं. आई विल रिप्लाई ऑन प्रायोरिटी. गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा ज्ञान.